हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त रेलवे जयराज। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम लेके आए हैं एआई ट्रेन का टाइम सेट कैसे करते हैं। काफ़ी लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि एआई ट्रेन एक साथ ही सभी ट्रेन को अलग अलग टाइम पे कैसे हम चला सकते हैं, क्योंकि ट्रेन एक साथ ही सारी ट्रेन एक साथ चल पड़ती है। हम चाहते हैं कि हर ट्रेन का टाइम अलग हो। तो दोस्तों, आपके कमेंट्स के ऊपर ही ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। तो दोस्तों, जिस बाइक को प्रॉब्लम आ रही थी, एआई ट्रेन को टाइम टेबल सेट कैसे करते हैं, और इस तरीके से आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो वीडियो लास्ट तक देखना है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनेगी, 5-6 मिनट की वीडियो बनेगी। आपको देखना ज़रूरी है टाइम टेबल कैसे सेट करते हैं, और ट्रेन को अगर हमें यहाँ से प्लेटफॉर्म तक चलाना है, यहाँ से आपको ट्रेन को टाइम टेबल सेट करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आपको यहाँ से ट्रेन को चलाना है, तो आपको किन चीज़ की क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इस ट्रैक पे ऐड करना है, वो इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना है, ताकि उनको भी अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो उनको ये प्रॉब्लम दूर हो सके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमें चाहिए कि यहाँ से हमें दो ट्रेन को चलाना है, वो भी अलग अलग टाइम पे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे और नीचे आपको नीचे यहाँ पे प्लेटफॉर्म का आ रहा है ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, और नीचे यहाँ पे सीडिंग का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मार्क कर रही है, मार्क होती है, तो हमें सीडिंग का मार्क आएगा, तो हमें यहाँ पे सीडिंग का मार्क ले लेना है, और एक और सीडिंग का मार्क यहाँ पे दोनों को ले लेना है। दोनों को लेने के बाद आप जितना चाहे इतना इसको आप कर सकते हो, जैसे मैंने इसको इतना ही रखेंगे। मैं तो ये वीडियो समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप अपने हिसाब से मार्क सेट कर सकते हो, जहाँ भी आपका मार्क है आप चाहे जहाँ से स्टार्ट को स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए, दोनों मार्क बन चुके हैं। अभी हमें क्या चाहिए, दो ट्रेन चाहिए। तो ट्रेन के लिए हमें क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम जाएंगे अपने जो आपके पास कंसेंट बने हुए हैं, ये देखिए कंसेंट जो आपके पास बने हुए हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आपको वीडियो के अंदर दूसरी वीडियो में बनाई हुई है, उस आप चैनल पे जाकर देख सकते हो। आप जो भी ट्रेन के कंसेंट बनाए हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जैसे मैंने ये बनाए हैं, सारे मैंने बनाए हैं, तो मैं नीचे चलता हूँ, चलो नीचे नहीं, तो एक तो हम लेंगे आईसीएफ लेंगे, और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अब इसका इंजन भी उधर चला गया है, तो उसको इधर कैसे लाए पूरी ट्रेन को, तो आपको यहाँ पे नीचे टिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है, उसको कर देना है, तो ये सारी ट्रेन एक तरफ से इधर आ जाएगी। तो उसको फिर से टिक हटाते हैं, और एक ट्रेन हमें चाहिए एलएचपी वाली। दोनों ट्रेन हमारी यहाँ पे आ गई है, इसका भी मूव उधर है, तो इसका भी मूव हम इधर करेंगे यागी। तो अभी क्या करेंगे, टिक को उठाएंगे। अभी हमें यहाँ पे इंजन, दोनों इंजन अलग अलग लेना है, तो हम जाएंगे लोको पे। लोको पे जाने के बाद भी यहाँ पे वेब 7 नीचे मिलेगा, वेब 7 ये रहा वेब 7 AI आपके सामने, देखिए AI में ले रहा हूँ, और नीचे और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ WDP4DCT3 AI सबसे लेटेस्ट वर्जन, दोनों ले लिए मैंने। अब क्या करना है दोस्तों, दोनों तो आ गए हैं, अभी दोनों को सबसे पहले हम ड्राइवर देंगे, क्योंकि ड्राइवर के बगैर तो चलेगा नहीं। ड्राइवर पीछे की तरफ देना है, तो पेंडोग्राफ पीछे की तरफ रहेगा, इसका भी पीछे देंगे। तो अभी ये दोनों ट्रेन हो गई है कम्प्लीट, तो अब क्या करना है इनको चलाने के लिए, हमें यहाँ पे इनको स्टेशन मार्क देना होगा। तो हम क्या करेंगे, आप ये देख सकते हो टाइम टेबल व्यू पे आपके जाना है, इसको क्लिक करना है,
यहाँ पे एक्सप्रेस पैसेंजर कर देते हैं तो क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे जो हमारा प्लेटफॉर्म उसको सिलेक्ट करते हैं, टाइम सिलेक्ट करते हैं 11:12:26। वन का देखते हैं, वन के अंदर 12:09:12:10:36। टू का देखते हैं, चलो टाइम टेबल सेट हो गए, अभी इसको प्ले करते हैं। अभी देखिए दोस्तों, एक ट्रेन का टाइम टेबल सेट नहीं कर रहा, वो ट्रेन यहाँ से जा रही है। एक ट्रेन चली गई है, देखिए अभी एक ट्रेन, इसका टाइम होगा तभी ये ट्रेन यहाँ से जाएगी, इसका टाइम अभी हुआ नहीं है, जब इसका टाइम होगा तो ये भी यहाँ से दोस्तों डिपार्ट करेगी। एक ट्रेन वहाँ पे डिपार्ट कर चुकी है और एक ट्रेन का हमें टाइम टेबल 2 या 3 मिनट पीछे का रखा है, तो 2 या 3 मिनट में ये ट्रेन यहाँ से चले जाएगी। तो जब तक ये ट्रेन चलती है दोस्तों, जब से उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है दोस्तों, लाइक जरूर करना है। इस चैनल पे 100 लाइक का, इस वीडियो पे 100 लाइक रखे हैं दोस्तों, प्लीज़ 100 लाइक आपको करना ही है, 100 लाइक, आपका एक लाइक करने में कुछ नहीं जाएगा दोस्तों, आपके लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। दोस्तों वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे रिसर्च करने पड़ते हैं, सारी जानकारी जुटानी पड़ती है, उसके बाद ये वीडियो बनाना पड़ता है ताकि आपको सही जानकारी मिले। अभी देखिए ट्रेन चल पड़ी है दोस्तों, इसका टाइम टेबल हमने सेट किया था उसी हिसाब से ट्रेन यहाँ से चल पड़ी है। तो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है, ट्रेन को कहाँ से, आप जब भी सिनेरियो बनाओगे आप तो इसी तरीके से आपको टाइम सेट कर लेना है दोस्तों, ताकि आपके सिनेरियो के अंदर कोई दिक्कत ना आए और सिनेरियो बने, आप सिनेरियो का मज़ा ले सकें। तो ये फर्स्ट ट्रेन आ चुकी है हमारी, और ये देखिए तो ये फर्स्ट ट्रेन आ चुकी है, दूसरी ट्रेन दोस्तों 2 मिनट के बाद आएगी यहाँ पे, क्योंकि उसका जो 2 मिनट के बाद वो ट्रेन वहां से निकली थी, तो 2 मिनट के बाद ही यहाँ पे आए, इसके पीछे पीछे आएगी वो ट्रेन भी, देख सकते हैं।
ये देखिए दोस्तों, दूसरी ट्रेन भी हमारी यहाँ पे आ चुकी है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट्स के अंदर जरूर बताना है, और वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।